डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। BTUP के छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। आप लोगों के लिए लगातार प्रश्न आ रहे थे, सर नई स्कीम कब आएगी, आखिरकार नई स्कीम वेबसाइट पर क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कई सारी अपडेट्स हैं इसके बारे में आपको फुल जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना कि नई स्कीम कब आएगी, देखिए हो सकता है कि आज रात के 10 से 11 बजे तक, आज हो सकता है कि रात 10 से 11 बजे तक आपकी स्कीम आ जाए, हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि मान लो आपके एग्जाम 12 कल उसमें दे रहे हैं, पोस्टपोन तो हो ही गए एग्जाम है ना, लेकिन स्कीम वेबसाइट पे नहीं आई है। इससे परेशान ना हो, स्कीम हो सकता है आज हटा ली जाए, 10-11 बजे समथिंग हटा ली जाएगी, लेकिन जो आपकी नई स्कीम है वो 28 सो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 28 जून से, तो इसकी जो स्कीम है आपको सोमवार शाम तक आ जाएगी, ऐसे जावेद सर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ और निकल के आ रही है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जुलाई में पहुंच गई, तो इसमें सेमेस्टर की बातें कही गई हैं। पहले मैं सेमेस्टर की बातें दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर पटरी है, वो पटरी उतरती दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर हम देखें तो नए सत्र की प्रक्रिया यहां पर देखो बोला जा रहा है, अब देखो जून के अंत में प्रस्तावित है ना। वहीं हम बात करें 12 जून से आपकी जो परीक्षा प्रस्तावित थी, अब वो 28 जून से शुरू कराने का निर्णय लिया गया है, यानी कि आपके पेपर 28 जून से होंगे, लेकिन जो जी कप एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके पेपर जुलाई में पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं देखने को ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई ये जब परीक्षा जुलाई में हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ सेमेस्टर एग्जाम भी जुलाई में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक आप 28 से तैयारी करो, 28 इसमें दे रखा है तो इसमें सेमेस्टर की बात नहीं कही इन्होंने, 28 से आप लोगों के परीक्षा होंगी, सेमेस्टर वाले ध्यान से सुन लो, और जो एंट्रेंस वाले हैं उनके पेपर जुलाई में कराए जाएंगे। इन लोगों को अभी मतलब एजेंसी ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तो आपको पता है एफआर खान सचिव भी यहाँ से हटा दिए गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नई स्कीम वेबसाइट पे आई है, क्यों नहीं आई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 427 डी फार्मा कॉलेजों की मान्यता हो सकती है खत्म, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा, तो मैं BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। अभी तक भी यहाँ पर ना तो पुरानी स्कीम को हटाया गया है, कल यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी स्कीम के साथ, तो हो सकता है आज रात के 10-11 बजे तक नई स्कीम आ जाए या फिर इसको हटा लिया जाएगा। फिलहाल जो ये आपको दिखा रही है ना, ये संभावित है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हो आप लोग बच्चों, ये पुरानी स्कीम है, इसको हटा लिया जाएगा वेबसाइट से, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, देख सकते हो आप लोग, इसको वेबसाइट से हटा लिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है ये जो स्कीम है आज रात में हटा ली जाए, जैसा कि आपको पिछली बार की पता होगी तो हटा ली गई थी रात के समथिंग 10-11 बजे आपकी स्कीम ये वाली हटा ली जाएगी, ठीक है, और नई स्कीम जारी कर दी जाएगी। इधर हम बात करें डी फार्मा के कॉलेजों को लेकर NOC दे दी गई थी, आपको पता ही होगा, अब ये इसीलिए आपके सचिव हटाए गए थे, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर बोला है, क्या बोला है इसके बारे में मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। देखिए 427 डी फार्मा कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है ना। इसी क्रम में फार्मेसी ऑफ इंडिया को पत्र भेज दिया गया है, बिना मानकों की पूरा करे ही इस अधिकारियों के द्वारा NOC जारी कर दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा परिषद निदेशक KR ने बताया कि जो आपके जिम्मेदारी सचिव को मिली थी उन्होंने भी मनमानी तरीके से मतलब वहाँ पर जाके ऐसे ही NOC की मान्यता दे दी, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आदेश पर संस्थाओं का खुलासा हुआ, उसके बाद आपको पता है FR सचिव खान हटा दिए गए, लेकिन उन्हें NOC दे दी गई। लेकिन हुआ क्या, ऐसे में जमीन के मामले भी गड़बड़ी मिली और कॉलेजों की मान्यता खतरे में आ चुकी है भाई साहब, देख सकते हो है ना, और जिससे सुलझाने के नाम पर लेन देन की चर्चा हुई, बेहद गोपनीय रखी जा रही डी फार्मा कॉलेजों की सूची कई हाथों में देखने को मिल रही है। इसी के मामले को लेकर आपको बता दें, जो हमारे FR खान सचिव थे, परिषद के सचिव है, सभी को हटा दिया गया और नए सचिव बनाए गए। तो यही सारी चीज़ें हैं, सत्यापन किए जा रहा है, परेशान ना हो, जो डी फार्म वाले हैं उनका जो है कॉलेजों का जो मान्यता रद्द हो सकती है, काफ़ी कॉलेजों की 400 समथिंग कॉलेज हैं, ये देख सकते हो कानपुर जो वहाँ पर बहुत ही सत्यापन कर रही है टीम, और जैसी कोई NOC की मान्यता आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी तक तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहेंगे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें PDF से मॉडल पेपर के लिए। फिलहाल ये न्यूज़ पेपर आपने समझ में आ गया कि फिलहाल की डेट में आपके एग्जाम वो 28 जून से कराए जाएंगे, और सेमेस्टर वालों के 28 जून से कराए जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम वालों के एग्जाम अब जुलाई में कराए जाएंगे। एंट्रेंस वाले ध्यान से सुन लें यहाँ पर,
तो सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्कीम आप लोगों की कल आ सकती है, हो सकता है आज रात में ही जारी कर दी जाए, है ना। बिल्कुल परेशान आप ना हो, तैयारी करते रहो। देखो भाई, आपकी परीक्षाएं हैं 28 जून से कराई जाएंगी। यहाँ पर सेमेस्टर वाले ध्यान दे लें, वेबसाइट पे आज शाम मतलब आज रात में या फिर कल तक जारी कर दी जाएगी। और जो रीचेक और स्कूटनी का रिजल्ट है कल 12 को आ सकता है, 12 को नहीं आया तो हो सकता है 13 जून को रीचेक स्कूटनी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। कल और परसों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना रीचेक स्कूटनी। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया, आपके एग्ज़ाम 12 से नहीं होने वाले, आपके एग्ज़ाम जून लास्ट यानी कि 28 जून से शुरू होंगे। और जो इसकी स्कीम है, हो सकता है आज रात जारी कर दी जाए, हो सकता है कल तो 100% स्कीम आई जाएगी। और 15 जून से आपके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और मान लो किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हो पाया तो उसका प्रैक्टिकल बाद में कराया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद में। तैयारी आप ताबड़तोड़ कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।